हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो से लेकर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कोडिंग से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ग्लास मॉर्फिज्म। ग्लास मॉर्फिज्म क्या होता है? ग्लास मॉर्फिज्म एक सीएसएस का इफेक्ट है, जिसमें किसी कलर्ड बैकग्राउंड या इमेज के ऊपर कोई भी डार्क या लाइट शेप होती है। मॉर्फिज्म में मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्लर, सेपिया और ग्रे स्केल। क्योंकि ये इफेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे अप्लाई होता है, इसलिए हमें इफेक्ट को दिखाने के लिए जो ऑब्जेक्ट हम बैकग्राउंड के ऊपर बनाते हैं उसका कलर हमें ट्रांसपेरेंट देना पड़ता है। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकली ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट बना के देखते हैं। हमारा ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ कंट्रोल एन से, और सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, और मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पे जाके। मैं डेस्कटॉप यहाँ पे चूज़ करता हूँ और न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ ग्लास मॉर्फिज्म। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर देता हूँ फाइल को। और अब हम एक सी एस एस की फाइल बनाएंगे टाइल्स को देने के लिए। तो मैं कंट्रोल एन से एक और फाइल बनाता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और इसका नाम मैं देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं एच टी एम एल में वापस जाता हूँ, इसमें मैं एच टी एम एल को डिफाइन करता हूँ, इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ। टाइटल में मैं देता हूँ ग्लास मॉर्फिज्म, सेव कर देता हूँ। सी एस एस को मैं लिंक करता हूँ एच टी एम एल के साथ। मैं लिंक टैग को ओपन करता हूँ और इसमें एच रेफ में मैं देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, अब मैं सी एस एस में जाके करेक्टर सेट डिफाइन कर देता हूँ UTF-8। बॉडी में जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मार्जिन की वैल्यू में देता हूँ 0, पैडिंग की वैल्यू में देता हूँ 0, और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। अब मैं वापस आता हूँ एच टी एम एल में, इसके अंदर मैं दो डिप बनाता हूँ। एक डिप बनाता हूँ और इसमें मैं क्लास देता हूँ मेन, और इसके अंदर मैं एक डिप और बनाता हूँ और क्लास देता हूँ शेप। ओके, अब मैं मेन डिप को डिज़ाइन करता हूँ। सी एस एस में वापस जाता हूँ और सी एस एस में मेन को क्लास लेक्टर के साथ सेलेक्ट करता हूँ मेन। ओके, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूँ 100% व्यू हाइट, और बैकग्राउंड में इसमें देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, में देता हूँ मैं लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री में मैंने दे दिया रेड ब्लू। रिफ्रेश करके इसको देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, इस तरह का शो हुआ। अब मैं इस शेप को डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ शेप को क्लास सेलेक्टर की मदद के साथ। ओके, इसमें मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट में इसमें नहीं दूंगा, हाइट इसमें ऑटोमेटिकली आएगी जैसे जैसे हम इसमें कंटेंट फिल करेंगे। मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल, बैकग्राउंड दे देता हूँ RGBA फॉर्मेट में 255.255.255, और इसमें मैं अल्फा की वैल्यू दे दूंगा 0.2, ताकि हमारी शेप ट्रांसपेरेंट शो हो। चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, इस तरह की दिखी हमारी शेप। ओके,
अब मैं इस शेप को सेंटर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए जाऊँगा मेन में और डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, और इसमें मैं वर्टिकली इसको सेंटर में लाने के लिए मैं इसमें दे दूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। रिफ्रेश करते हैं, ओके वर्टिकली सेंटर में आ गया। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने के लिए इसमें मैं वैल्यू दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रिफ्रेश करके देखते हैं, सेंटर में आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ गया। अब मैं इसको डिज़ाइन करूंगा, इसमें मैं बॉर्डर रेडियस देता हूं 12 पिक्सल। सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ओके बॉर्डर रेडियस इसमें आ गया। इसके पीछे मैं देना चाहता हूं कुछ टेक्स्ट, तो मैं यहां पे H1 में लिखता हूं मोबाइल एनकोडर। सेव करता हूं, रन करके देखता हूं किस तरह का शो हुआ। ओके इस तरह का शो हुआ। मुझे ये मोबाइल एनकोडर इस शेप के पीछे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको दे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव कर देता हूं, रिफ्रेश करता हूं अब इसको। ओके इसके पीछे आ गया। H1 को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करूंगा, H1 को मैं देता हूं फॉन्ट हाइफन फैमिली। मुझे एक फॉन्ट फैमिली का नाम पता है, तो मैं वही दे रहा हूं, ऑडियो वाइट। अगर ये शो नहीं हुआ तो सेंस सेरिफ शो होगी। मैं सेव करके रन करता हूं। ओके अब मैं इसमें फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, फॉन्ट हाइफन साइज को इंक्रीज कर देता हूं। इसको देता हूं मैं 70 पिक्सल, और इसमें कलर में देता हूं वाइट। वाइट का कलर कोड लिखता हूं शार्प FFF। सेव करके रिफ्रेश करता हूं, इस तरह का शो हुआ। अब मुझे शेप में एक फॉर्म बनाना है, तो मैं शेप के अंदर जाऊंगा, शेप वाले क्लास के अंदर, और इसमें मैं फॉर्म टैग को ओपन करके क्लोज कर दूंगा। मुझे एक्शन एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, तो मैं को ओपन करके क्लोज कर दूंगा, और इसमें मैं इनपुट बनाऊंगा 3, इनपुट इंटू 3। ओके टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और टाइप इज इक्वल टू सबमिट बटन चाहिए मुझे, सबमिट। और इसके अंदर वैल्यू मैं देता हूँ, सबमिट के अंदर मैं वैल्यू दूंगा लॉगिन। मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है यहाँ पे, और इन दोनों में मैं प्लेस होल्डर की वैल्यू देता हूँ प्लेस होल्डर। ऊपर वाले में मैं देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम, और पासवर्ड वाले में मैं देता हूँ पासवर्ड। सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके हमारी शेप थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अब इसके अंदर जो फॉर्म के अंदर जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्म के अंदर मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करता हूँ इनपुट टाइप, टाइप एट्रीब्यूट की मदद से मैं सेलेक्ट करता हूँ CSS में इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। इनको मैं विड्थ देता हूँ 100% और हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल। सेव करके रन करता हूँ। ओके इस तरह देखा, मुझे मार्जिन टॉप से मुझे थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाना है, तो मैं मार्जिन दे देता हूँ, टॉप बॉटम देता हूँ मैं 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट देता हूँ 0 पिक्सल। सेव करके रन करता हूँ। ओके थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई थिंक मुझे 10 पिक्सल देना चाहिए टॉप बॉटम में, 10 पिक्सल दे दिया मैंने। रिफ्रेश करके देखते हैं, ओके इस तरह का शो हुआ। मैं इसको 20 पिक्सल ही रहने देता हूँ,
रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, अब मैं इसमें से बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड डन कर देता हूँ और बॉर्डर भी मैं इसमें रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर डन कर देता हूँ। बॉर्डर मुझे बॉटम में चाहिए, बॉटम बॉर्डर बॉटम इज इक्वल टू 3 pixels सॉलिड शार्प OOF ब्लू कलर में चाहिए मुझे बॉर्डर, तो मैं इस तरह का बॉर्डर दूंगा। ओके, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी हम वाइट करना चाहते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ वाइट कलर में शार्प FFF। ओके, और फॉन्ट साइज में इसका इंक्रीज नहीं करूँगा, फॉन्ट फैमिली में इसकी चेंज कर देता हूँ, ऑडियो वाइट सेंस सेरिफ। ओके, सेव करके रन करता हूँ, इस तरह का शो हुआ। अब मैं लॉगिन वाले बटन को डिज़ाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, इसमें मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट की मदद से सबमिट बटन को, लॉगिन बटन को सिलेक्ट करता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट सबमिट। अब मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 150 pixels और हाइट दे देता हूँ 40 pixels। इसमें मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ शार्प, रेड में 0 रख देता हूँ, ग्रीन कलर का बटन चाहिए मुझे, तो सेव करके रन करता हूँ। ओके, इसमें बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर नन। सेव करके देखते हैं किस तरह का दिखा। ओके, मुझे बॉर्डर रेडियस चाहिए इसमें, तो मैं देता हूँ बॉर्डर हाइफन रेडियस 8 pixels देता हूँ बॉर्डर रेडियस, इस तरह का शो हुआ। इसमें मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ, बॉक्स हाइफन शेडो 0 pixels 0 pixels 10 pixels शार्प CCC दे देता हूँ मैं, रन करके देखता हूँ किस तरह का शो हुआ। ओके, इस तरह का बटन शो हुआ। अब मुझे जो हमारा मेन इफेक्ट है क्लास मॉर्फिज्म वाला, वो दे देता हूँ मैं अब शेप में, शेप में जाके मैं बैकड्रॉप हाइफन फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसमें मैं दे देता हूँ ब्लर को 2 pixels। सेव करके रन करता हूँ। ओके, ब्लर हो गया। जब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है आउटलाइन, इस आउटलाइन को हमें यहाँ से रिमूव कर देंगे, आउटलाइन नन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और बटन के ऊपर भी आउटलाइन आ रहा है तो हम बटन में भी आउटलाइन देंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2 pixels से इनक्रीज करके मैं इसको 5 pixels कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ओके, आप इसकी वैल्यूज को इनक्रीज और डिक्रीज करके देख सकते हैं, आपको बेहतर इफेक्ट मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।